तो बॉस, हमारे पिछले ब्लॉग में आपने हमारा कठुआ से लेकर जय वैली तक का सफर देखा और आज हमारा डे टू है जय वैली का। और पहाड़ों की सुबह की तो बात ही कुछ अलग होती है। जब आप अपने टेंट से सुबह बाहर निकलते हो और आपको एक सुकून और शांति भरा एनवायरनमेंट मिलता है तो आपका दिल ही खुश हो जाता है। तो चलिए फिर आज डे टू की शुरुआत करते हैं। एक प्यार भरी नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित चौहान। तो जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे डे टू के ब्लॉग में। और हम लोग रात को बहुत ही सुकून भरी नींद लिए यहाँ पे, और यहाँ का मौसम भी ठीक था, चांद भी था लेकिन थोड़े थोड़े बादल थे। लेकिन जैसे ही सुबह उठे हैं अब हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और मौसम अब कुछ इस टाइप का हो गया है। और अभी भी मेरे ऊपर हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और ठंड भी लग रही है। और रात को ये तो लिटरली जम चुकी थी, अभी ठीक है ये। और अब पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, आया कि ये देखो गीली हो रही है ये। पानी हम लोग पीने के लिए गर्म कर रहे हैं क्योंकि गला हमारा थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे लग रहा है ना, यहाँ पे स्नो पड़ ही जाएगी थोड़ी देर में, तो हम भी सोच रहे हैं अगर हल्की सी बारिश रुकती है ना तो यहाँ से निकल जाएंगे यार। रुकना यहाँ पे ज़्यादा देर तक ठीक नहीं होगा। तो बॉस, हमें उत्तम सिंह जी मिले हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं। कौन सी जगह से बताया आपने भाई? नागनी। नागनी से जी। यहाँ से आगे एक और रास्ता जा रहा है जो नागनी जाता है, और कौन सा है? और ये पीछे जाता है। पीछे कौन सा, क्या नाम बताया एक और आप बता रहे थे ना? ये क्या बोलते हैं, लालू पानी। लालू पानी जी जी। ट्रक है उसका पूरा ना? हाँ हाँ, मतलब प्लेन ऐसा है ना? प्लेन प्लेन। ठीक है ठीक है। ये भाई उधर ही रहते हैं, इनका अपना ही घर है ना वहाँ पे, इसमें रहते हैं। हाँ, घर है इनका अपना। और ये बता रहे थे कि ऊपर जो पहाड़ियाँ यहाँ पे बर्फ पड़ रही है अभी जब ये आ रहे थे। तो यार काश हम भी जा पाते, लेकिन हमारे पास इतना अब टाइम नहीं है, हमने सारा पैक कर लिया, तो अब हम यहाँ से वापस ही जाते क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बारिश का भी, है ना? वो सही रहेगा, बर्फ का कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है भाईजान, आपसे अच्छा लगा मिलके, अच्छा लगा। ठीक है ठीक है भाईजान। भाई वो देख रहे हो अंकित मुंह धो रहा है, और मैं धो के आया हूँ, इतना ठंडा पानी है ना, बच गई यार, और धूप भी निकल गई, ये बाल भी धोए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इतना ठंडा पानी है ना, मज़ा आ गया। लेकिन ऐसे हुआ कि थोड़ा एनर्जी आ गई फिर से पानी फेंक के। यहाँ पे आगे एक शिव मंदिर है, ये जो गए अभी भैया इन्होंने बताया कि शिव मंदिर है आगे, तो वहाँ तक चले जाओ। आई थिंक 10 किलोमीटर है, 10 मिनट की दूरी पे है यहाँ से, तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ तक हो आते हैं, क्योंकि अगर आए गए तो अब इतना तो करता है ना, इतना तो बनता है मालिक। तो जाएंगे बॉस हम लोग, क्योंकि हम लोग एनर्जी से भरे पड़े हैं, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर मंदिर कैसा है। तो बॉस, अब हमने अपना सामान यहाँ पे छोड़ दिया और निकलने लगे हैं अब शिव टेम्पल के लिए। चल भाई चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मौसम बहुत सही है, ठंड लग रही है अच्छी खासी। ये देखो हमारा ट्राइपॉड, यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। ट्राइपॉड जी, आर यू रेडी टू गो विद अस? All set to go. हमारी स्कूटी सेफली स्टार्ट हो गई है, नहीं तो बारिश में जब भीग जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट हो गई।
ये सब बाय बाय जय वैली, ये मैंने डालने हैं ऑब्वियसली बात है। अंकित ऊपर तक आएगा ऐसे ही क्योंकि पानी में ना स्लिप होने वाली थी, अभी बच गए। रात को हम लोग इस वैली में अकेले ही थे, बाकी ये जो एक पता नहीं फैमिली ट्रिप पे आए थे ये लोग, शायद दो तीन गाड़ियां लेके आगे। ये देखो यहाँ पे ये लोग थे और ये हैं हमारे ग्लैम्पिंग जैसे कैंप्स हैं ये, जैसे मनाली में है वैसे। सोलर भी लगाया, सोलर लाइट्स हैं यहाँ पे, वो पीछे भी एक सोलर लगा हुआ है, तो काफ़ी सही है यार। बाय बाय जय वैली, बाय 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 बाय। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं अब। जय भोलेनाथ। बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाता है यार, लेकिन तो बॉस आपने सुना ही होगा कि जो असली मज़ा है वो मंजिल का नहीं बल्कि सफ़र का होता है। तो हम भी अपने सफ़र को एंजॉय करते करते पहुंच गए विष्णु होटल, जिसके ऑनर एक एक्स आर्मी मैन है और इनके मोमोज काफ़ी मशहूर हैं। तो हमने इनके दो प्लेट मोमोज और एक चाय ऑर्डर कर ली और अब यकीन मानो दोनों चीज़ें लाजवाब सा टेस्ट है ना अपना, क्योंकि हमने सुबह चाय नहीं पी यार। तो भाई मोमोज खा के अब हम लोग निकल चुके हैं पादरी पास के लिए। अबे 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 बड़ी जगह, बड़ी जगह, बड़ी जगह। लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज भद्रवा, क्या बात है। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं पादरी पास के लिए। यहाँ पे कोई चिनार होटल आएगा, उससे राइट लेना है, फिर उसके बाद लेफ्ट लेना है, ऐसा हमें मैप बताया गया है। पहला लेफ्ट टर्न, फिर हनुमान जी का मंदिर आएगा, फिर लेफ्ट टर्न। अच्छा ये नहीं, दो रास्ते हैं कमीने, वो सही बोला था उसने, चिनार होटल था वहाँ पे कोई, फिर वहाँ से इसमें बोला था ना ऊपर आने के लिए। देखो तो वैसे लग रहा सांप बना है ना, देना अभी ये इधर हम टर्न लेंगे लेफ्ट, ये आ गया हमारा राइट थोड़ा सा, फिर से लेफ्ट। हाँ यार ठीक है सपा, ये बंद किया। हाँ जी कहाँ जाना है? पादरी तक जाना है, पास तक जाना है हिमाचल, पादरी पास तक करा लिख देना। एंट्री करवानी किनके पास करवानी? पादरी पास तक जाना है, कठुआ से पादरी पास तक। हाँ जी देखो पीबी 35। ये किस लिए एंट्री करते हैं यहाँ पे? करनी पड़ती है ये ऊपर थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नाम? रोहित। कर लो आप बात ना पहले। अरे वाह क्या बात है यार, क्या नज़ारा है। जय वैली। तो चल यार हमें नाइट स्टे करना था, अब अगर इधर भी आते ना तो कहीं रात रास्ते में इधर ही कहीं रुक सकते थे वैसे मजे से। वो है ही खाड़ी है प्रॉपर, ऐसे लग रहा है भाई, धुंध देख रहा ऊपर, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। एक साइड हमारा पहाड़, एक साइड खाई, और खाई के साइड पे कोई फेंसिंग भी नहीं है। अरे वाह टूटा सा नाला। हाँ
अब सही है ना रोड? अरे वहाँ उधर देख, बहुत सही जगह है बॉस, बहुत ही टॉप ए क्लास। दे जान दो सीधे, सीधे जान दो खाई में। क्या बात है यार, इधर ही लगा लेंगे रात को टेंट अंदर ही, क्या बोलते हैं? अरे वाओ, ओ माय गॉड, ओ बॉस। भाई स्नो पड़ रही है अभी, वो उधर चलते हैं, क्या बोलता है ना? ओ गॉड शिट, टांगों की वाट लग रही है। ओ Oh, oh God! No one can imagine कि हम लोग स्कूटी पे यहाँ पे पहुँचे हैं। So guys, we made it to the Padri Pass, and that's in the month of November. और अभी snow पड़ रही है। Oh God! तो बॉस ये है पादरी पास। पादरी पास की दूरी भद्रवा से लगभग 41 किलोमीटर की है और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको लग जाते हैं लगभग 2 से 3 घंटे। और ये जो पास है वो एक इंटरस्टेट लिंक है भद्रवा चंबा नेशनल हाईवे पे। और हम लोग यहाँ पे विजिट किए हैं नवंबर के मंथ में, विच इज नॉट अ रिकमेंडेड मंथ आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे काफी स्नोफॉल हो रहा है और आप फंस सकते हैं अगर यू नो ज्यादा स्नोफॉल हो गया तो। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जून जुलाई के मंथ में आओ, या फिर आप एक मानसून लवर हो तो आप अगस्त में भी आ सकते हो या फिर सितंबर में भी, बिकॉज उस टाइम पे वैली में बहुत सारे क्लाउड्स होंगे और आपको व्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गाइस स्नो के साथ हम लोग को कंपनी मिली है दो ब्लॉगर्स की, जो कि एक है हिमाचल से, एक है पंजाब से, पंजाब में मोगा, और दूसरे है हिमाचली कपल, यू कैन आल्सो फॉलो देम, क्योंकि वो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। और भाई आपका नाम क्या था? सीख विद सागर। हाँ भाई का नाम है यूट्यूब पे सीख विद सागर, और जो दूसरे हैं वो है हिमाचली कपल। तो गो एंड फॉलो देम, और अभी स्नो का मजा लो। ये दो भाई हमें मिले यहाँ पे पादरी पास के पास, यहाँ पे स्नो हो रही है और इनका चैनल है वॉक विद आरसी, याद रखना, जाके जरूर विजिट करना इनका कंटेंट, देखना ट्रैवलिंग कंटेंट ही है ना, यहाँ ट्रैवल कंटेंट है। तो ये स्कूटी पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचरस काम कर रहे हैं, इतना इजी नहीं है स्कूटी पे करना, क्योंकि गाड़ियों में फिर भी आसानी से हो जाता है, बट एक्टिवा पे लुक एट मी यार, बाइक पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये दोनों जाने कर रहे हैं ट्रैवल, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? बहुत बिंदास, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पादरी पास का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है रेदर देन हमारी जय वैली का। तो गाइस अगर हमारा ब्लॉग आप देखो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई की तरह, उसको भी फॉलो करो, बहुत सही कर रहे हैं यहाँ पे आपकी इतनी ठंड में। मैंने तो पहली बार शो देखी और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब बिल्कुल अचानक प्लान बना, मैं कश्मीर से जाने वाला था।
गाइस देखो स्कूटी पे भी स्नो हो गई है हमारे, और ठंड तो बहुत ही लग रही है। ठीक है भाईजान चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई। तो गाइस जब हम लोग गए थे तब रोड बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब देखो धुंध देखो यहाँ पे, और ऊपर तो हम लोग स्नो का जो मज़ा लेके आए ना भाई, और मेरे हाथों की वाट लगी हुई है यार बहुत, ये फिंगर टिप्स दर्द कर रही है लिटरली। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है हम लोगों ने, हमने सोचा यार हाथ ठंडे हो गए हैं तो गर्म करते हैं, आग जलाई है उसके लिए हमने यहाँ पे। अब पहले हम सोच रहे थे कि यहीं पे रुक जाए, बट देखते हैं अगर मौसम ठीक रहा फिर तो रुक जाएंगे, नहीं तो नहीं यार। भाई बर्फ पड़ना फिर से शुरू। भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ नीचे ठीक है यार, क्योंकि पादरी ये रहा और ये जगह है पता है। तो नीचे देखते हैं, चाय पीते हैं निकलते हैं हैं, ठीक है ना। तो गाइस पादरी पास से वापस आने के बाद अब हम एक होटल रूम ले रहे हैं, क्योंकि अब पर गीले हो चुके हैं यार, पूरी बारिश में आए हम लोग, मेरा नाक भी बंद हो चुका है, और ये हमने रूम लिया है। लेट मी गिव यू अ रूम टूर। सो दिस इज़ द रूम, ये कबर्ड है यहाँ पे, ये बेड, एंड दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है। एंड इट कम्स इन लाइक 1K, तो प्राइस ठीक है। तो भाई हमारी लिटरली हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, लाइक पूरे रास्ते बारिश हुई है, और ऊपर तो स्नोफॉल, फिर उसके बाद बारिश बारिश, और इतना तेज़ बारिश था ना कि मतलब एक टाइम पे तो लिटरली आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, अभी अंधेरा भी हो चुका है, बुरी हालत हो गई है। मेरी फिंगर टिप्स है ना प्रॉपरली ऐसे जम चुकी हैं यार, फील ही नहीं हो रहा है।